तो फाइनली आप सभी का फिर से स्वागत है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर। जी हाँ, पिछले दिनों ICDS डायरेक्टर के द्वारा एक ऑफिशियल लेटर बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में जारी किया गया था, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। जी हाँ, उस ऑफिशियल लेटर के मुताबिक बिहार के जितने भी जिले में, यानी पूरे बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं, उन पर उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर उनके किराए की राशि में भारी बढ़ोतरी की सूचना यहाँ पर दी गई है। यानी कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों, किराया लगभग बहुत अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। इसके लिए हम आपको एक डिटेल दिखाते हैं कि किराया जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैक्सिमम कितना स्वीकृत किया गया है, शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र तक किराया कितना मिल सकता है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन वास्तव में मैक्सिमम अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों पर किराया जो इसे काफी कम ही मिलता है, क्योंकि उस तरह की सुविधा वाला आंगनबाड़ी केंद्र किराए वाला नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से देखिएगा, पिछले दिनों ये ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार ICDS निदेशालय ने जारी किया हुआ था। इसकी पत्र संख्या थी 1828। पत्र जो है 17 अप्रैल 2023 को ही जारी किया गया था। महत्वपूर्ण लेटर था, इसलिए भले ही थोड़ा लेट हो गया, मैंने आपको बाद में दिखाने की जो है प्रयास किया हुआ है। ये लेटर जो है ICDS डायरेक्टर बिहार पटना के ऑफिस से बिहार के जितने भी DPO हैं सभी जिलों में उनको, और बिहार में जितने भी DPO कार्यरत हैं सभी को जारी किया गया है। जारी करने के जो यहाँ पर पत्र का विषय क्या है, यहाँ पर क्लियरली देखिए लिखा गया है कि ICDS निदेशालय अंतर्गत संचालित केंद्र पर आयोजित योजना आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण उत्क्रमण मरम्मति पेयजल सुविधा शौचालय तथा केंद्र किराया आदि के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में रिपोर्ट की मांग की गई है। लिखा गया महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23, जी हाँ 2022-23 के बारे में बात की जा रही है, जो वित्तीय वर्ष जो है अब अप्रैल महीने से खत्म हो चुका है। यानी मार्च तक जो है था वित्तीय वर्ष 2022-23 था, अब अप्रैल से ही वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है। तो वित्तीय वर्ष 2023-22-23 के भारत सरकार द्वारा नई एवं संशोधित मार्गदर्शिका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 लागू कर दी गई है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भवन नया निर्माण हो या फिर उसमें मरम्मति हो या पेयजल सुविधा शौचालय निर्माण के संबंध में व्यापक संशोधन कर दिया गया है। यथा आंगनबाड़ी केंद्र नया भवन के लागत एवं स्वरूप में परिवर्तन, उत्क्रमण के स्थान पर सक्षम आंगनबाड़ी का सृजन, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का विघटन तथा सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के किराया एवं मशहूल कर यानी आंगनबाड़ी केंद्र किराया, ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया क्लियरली कि आंगनबाड़ी केंद्र किराया 1,000 रुपये प्रति माह प्रति केंद्र के स्थान पर 2,000 रुपये प्रति केंद्र प्रति माह, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जा रही है। क्लियरली लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किराया एवं मशहूल कर 1,000 रुपये प्रति महीने देने का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति केंद्र प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधा के आधार पर 4,000 रुपये प्रति महीने किराया पहले से दिया जाने का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति केंद्र प्रति माह स्वीकृत किया गया है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये मैक्सिमम किराया है ग्रामीण क्षेत्रों में, अब 2,000 रुपये एक महीने का किराया मैक्सिमम, और शहरी क्षेत्रों में 6,000 रुपये किराया एक महीने का मैक्सिमम है। लेकिन इतना किराया बिहार के शायद ही कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को, गिने चुने केंद्रों को मिलता होगा जो वास्तव में ऐसे क्षेत्र में होंगे और इतने महंगे जो है फ्लैट में या फिर रूम लेकर के किराए में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करते होंगे जहां इतनी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। कुल कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इतना किराया प्राप्त करना है तो इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतनी सुविधाओं के साथ अपडेट रहना पड़ेगा, उतना अच्छा रूम लेना पड़ेगा, मकान लेना पड़ेगा, तब सरकार आपको किराया देगी। नहीं तो आप ये मान के चलिए भले ही 6,000 रुपये शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये प्रति महीने मैक्सिमम रूप से किराया स्वीकृत है, लेकिन मिलता नहीं है। लिखा गया वित्तीय वर्ष 2023-24 जो अब चल रहा है का वार्षिक कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाना है। लिखा गया निर्देश दिया था कि वित्तीय वर्ष 2023-24 आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध आधारभूत संरचना के संबंध में, इसीलिए आपके केंद्र पर किस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, बैठने की जगह, शौचालय है या नहीं है, पानी पीने की सुविधा, खेलने की सुविधा, वहाँ पर सनलाइट आता है या नहीं आता है, ये आपसे रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं 1-2 महीने पर आपके LS द्वारा मांगी जाती है। इस लेटर को अति आवश्यक समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि अति आवश्यक समझा जाए। यहाँ पर ICDS के डायरेक्टर कौशल किशोर का सिग्नेचर और 17 अप्रैल का डेट देखने को मिल जा रहा है। उम्मीद है आपको किराए का पूरा मामला समझ में आ गया हो कि मैक्सिमम क्या है और मिलता कितना है। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।